नमस्ते फ्रेंड्स। तो देखिए आज मार्केट क्या होने वाला है। देखिए मार्केट सुबह से देखेंगे तो यहाँ से तुरंत मतलब मार्केट आज सुबह से ही बियरिश मूड है, और हम लोग कल भी बताए थे कि देखिए मार्केट का जो लेवल है वो पूरा के पूरा बियरिश है। तो आज देखेंगे कि 14,048 वहाँ पे HDFC बैंक का सीधा के सीधा, जो HDFC बैंक का सीधा के सीधा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन था, और रेजिस्टेंस लेके सीधा के सीधा कहाँ तक चलाया, पूरा के पूरा मतलब सुबह में ही वो 1430 तक आ गया। ठीक है, तो देखिए मार्केट को इस लेवल तक आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए कि मार्केट कैसे बिहेवियर करता है, और उसके साथ साथ ही आपको चलना भी चाहिए, और नहीं चलेंगे तो क्या होगा, आपको कुछ फायदा भी नहीं होगा। तो इस मार्केट को आप लोग अच्छे तरीके से याद रखना कि मार्केट कैसे बिहेवियर करता है, मार्केट का बिहेवियर कैसा है, और मार्केट किस तरीके से जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी क्या होने वाला है, देखिए मार्केट अभी थोड़े बहुत और ज्यादा गिरने का संभावना बन सकता है। ठीक है, मार्केट सुबह में क्या किया, मार्केट यहाँ पे आया, ऊपर के गया, यहाँ से फिर तुरंत यहाँ पे गया, वहां से मतलब फिर लो को ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है, और फिर और एक बार नीचे की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, तो कहां तक जा सकते हैं, देखिए 47,444 यहां तक जाने का संभावना बन सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको अच्छे तरीके से याद रखना कि 47,444 तक जा सकता है, और यहां से तुरंत रिवर्स होने का भी संभावना बन सकते हैं। तो देखिए इसको अच्छे तरीके से याद रखना कि यहां से रिवर्स होने का भी संभावना बन सकते हैं। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि 47,000 जो लेवल है 47,444 यहां तक आने का संभावना है, और यहां से सेकेंड हाफ में थोड़े बहुत रिवर्स होने का संभावना बन सकते हैं। मेरे को जैसा लग रहा है, मैं आपको ऐसा ही बताया कि मेरे को ऐसे तरीके से लग रहा है। और बैंक निफ्टी का भी देखेंगे, आज सुबह में हम लोग ट्रेड भी लिया, मैं आपको पूरा के पूरा दिखाता हूँ। देखिए जो सिनेरियो है मैं आपको दिखाता हूँ। हम लोग यहाँ पे लिए थे सुबह में जहाँ पे लिए थे, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए एक बार आप लोग देख लेंगे तो आपको भी फायदा हो जाएगा। यहाँ पे जो भी मतलब 388 यहाँ पे हम लोग पहले लिए थे, और उसके बाद जब 366 में और एक बार आया, जैसे कि यहाँ पे फिर हम लोग मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे फिर एक बार उसको मतलब एवरेज किया और ज़्यादा लिया। यहाँ पे सबसे बढ़िया क्वांटिटी जो लिया मैंने 366 में, और मैंने सबसे जो बेचा 413 में एक बार बेचा, और 415 में एक बार बेचा, और ये दोनों जगह में मैंने फुल क्वांटिटी सेल कर दिया। पहले वाला बेचा मैंने 80% क्वांटिटी 413 में, और 415 में मैंने दूसरा क्वांटिटी बेचा। उसके बाद मेरा जो टारगेट था आज सुबह, यही मैंने टारगेट बताया था कि देखिए 440 का लेवल हमारे लिए टारगेट बन सकते हैं, लेकिन मैंने वहां तक जा नहीं पाया। उसके बाद मैंने यहाँ पे बेच दिया, उसके बाद ये तुरंत चला गया, सॉरी 425 में शायद मैंने बेचा। तो यही था आज के लिए ट्रेड। चलिए और क्या हो सकता है, देखिए मार्केट जो भी बार बार इसी की तरफ दिखा रहे हैं ना, या फिर एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन हो रहे हैं, तो इसको भी आपको देखना चाहिए कि फॉर्मेशन का मतलब ब्रेकआउट हो जाए तो यहाँ तक आने का फिर से एक बार संभावना बन सकते हैं। तो मार्केट दिखा जाए क्या हो सकता है, लेकिन मेरे को जैसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ से थोड़ी बहुत करेक्ट करके 47,444 यहाँ तक आना चाहिए, यहाँ से मतलब रिकवरी होने का संभावना बन सकता है। ठीक है, तो मार्केट को ऐसे तरीके से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा देना। शायद आप लोग ये सब कर चुके होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।